السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. मेरे भाइयों दोस्तों, आज जिस मौजू को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो है नमाज इस्तिखारा, आदाब, अहकाम, फवायद। नमाज इस्तिखारा अक्सर मुसलमान इसे नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों ने इसे लापरवाही और सुस्ती बरती है और नमाज इस्तिखारा से वाकिफ नहीं है। इस्तिखारा का मतलब होता है तलबुल इरशाद इलल खैर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे लिए खैर इख्तियार फरमा, हमें भलाई की तरफ गामजन फरमा दे। अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ कि वह हमें खैर की रहनुमाई कर दे और उसके अंदर जो शर है, जो रुकावट है, जो मुश्किलात है, अल्लाह उससे फेर दे। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल है। इस नमाज और दुआ के जरिए बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है और अल्लाह के साथ अदब है। इससे ईमान में इजाफा होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें खैर व बरकत डाल देता है और अजर व सवाब से भी नवाजता है। अहले जाहिलियत जब किसी काम का इरादा करते तो गलत तरीके से अपने मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। कभी तो वो परिंदों को उड़ाते थे, दाएं या बाएं जाए उसी हिसाब से वो करते या ना करते, और बसा औकात फालों के तीर का भी एहतमाम करते और शिरकिया उमूर अंजाम देते। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हमारे लिए इस अजीम दुआ को मशरू फरमाया है जिसमें तौहीद है, अल्लाह पर भरोसा है, उसके वजूद का इकरार है, उसकी सिफात है, उसकी कुदरत और इरादा का तज़किरा है, उसकी रुबूबियत है, मामले को अल्लाह के हवाले करना है, उससे मदद तलबी है, उस पर भरोसा है। इस तरीके से बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे उमूर से दोचार होता है जिसके मुतालिक इंसान को पता नहीं होता कि उसका नतीजा क्या होगा। क्यों? इसलिए कि वो चीज मख्फी है, गैब से ताल्लुक रखती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें खैर है या शर, नफा है या नुकसान, इस अमल की तरफ, इस काम की तरफ बढ़े या ना बढ़े, इस लड़की को पैगाम भेजे या ना भेजे, इस काम में फलाह को शरीक किया जाए या ना किया जाए, अपनी बीवी को तलाक दे या बाकी रखे, सफर करे या ना करे, स्टडी पढ़ाई यहां करे या वहां करे, क्या करे क्या छोड़े, खैर कहाँ है, इसके मुतालिक इंसान को जानकारी नहीं होती। इस बिना पर बसा औकात आप देखिएगा कि इंसान हम गम में मुब्तला हो जाता है, परेशानियों से दोचार हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, वो सोचना गौर फिक्र करना शुरू कर देता है कि क्या करे और क्या ना करे। खौफ और तरद्दुद से बचाव के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हकीम है, अलीम है, अल्लाह ताला ने नमाज इस्तिखारा को मशरू फरमाया है ताकि इंसान तरद्दुद की खाई से निकल जाए, परेशानियों मुश्किलात की वादी से बाहर आ जाए। अल्लाह ताला ने बंदे को सवाद कदमी देने के लिए, शक को यकीन में बदलने के लिए और इंसान मुतमइन नफ्स हो जाए, दिल में सुकून पैदा हो जाए, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो, इसके लिए अल्लाह ताला ने नमाज इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा का हुक्म दिया है। देखिए बसा औकात इंसान को बाज चीज में भलाई नजर आती है, फायदा नजर आता है,
اور اللہ چونکہ علیم ہے، ہر چیز کا جانکار ہے، اس کے نتائج نفع و نقصان سے واقف ہے، خیر اور شر کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اسے پتا ہے بندے کے لیے کیا چیز مفید ہے کیا چیز نہیں ہے، تو لازمی طور پر ہم اس پہ توکل کریں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بندہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرے، کسی امر کا ارادہ کرے، کوئی مسئلہ اس کے سامنے درپیش ہو، کوئی قضیہ اس کے سامنے ہو، اسے کرنا چاہ رہا ہو، تو کام میں ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے رب سے استخارہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے۔ اس کے لیے اسلام نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اپنے خالق سے استخارہ کرے، اور نیک لوگوں سے، امانت دار لوگوں سے اگر مشورہ کرے اور معاملے کو کر گزرے، تو انشاءاللہ کبھی بھی ندامت و افسوس کا اظہار نہیں ہوگا۔ استخارہ علماء کا اتفاق ہے کہ سنت ہے، اس کی مشروعیت کی دلیل صحیح بخاری کے اندر جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تمام دنیاوی امور میں ہمیں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ استخارہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں استخارہ سکھاتے تھے، اللہ اکبر، جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے، حدیث تھے، امت کو رہنمائی کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ اور ہم جب کسی کام کا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ استخارہ کر لیں، تاکہ انشاءاللہ ندامت و ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ نماز کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ اللہ سے قربت ہو، اللہ کے دروازے کو دستک دیا جا سکے، اس کے بعد جب ہم دعا کریں گے دروازہ کھلا ملے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، معاملے میں بھلائی پیدا کر دے گا۔ آئیے، ہم نے بتا دیا آپ کو کہ 2 رکعت ہمیں نماز پڑھنی ہے فرض کے علاوہ، استخارہ کی نیت سے، اور یہ نفل نماز ہے، استخارہ کی نیت سے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہ کرے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد علماء کے صحیح قول کے مطابق کوئی بھی سورت پڑھ لیں پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا کے رکوع میں جائیے، پہلی رکعت کو مکمل کیجیے جس طرح عام نفل نماز پڑھ کے مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیے، اسی طریقے سے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کوئی سورت پڑھ لیجئے، اس کے بعد وہ رکعت مکمل کیجئے، ہاں جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انشاءاللہ دعا استخارہ پڑھیں گے، یہ بھی دعا ہے، اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، حالانکہ اس کی صراحت دعا استخارہ والی حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا چونکہ یہ دعا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے وہ استخارہ کی دعا پڑھے۔ اس سلسلے میں بخاری، ترمذی، نسائی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے تمام معاملات میں، جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اور کیا فرماتے، اذا ہم احدکم بالامر، جب انسان کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اس کا مطلب فرض کے بعد نہیں کر سکتے، ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یعنی جب ہم پڑھ لیں گے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، وہاں پر نام لیں گے، اب جیسے فلاں جگہ شاہ، اگر عربی میں کہہ سکتے ہیں تو عربی میں کہیے، نہیں تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہماری شادی کی بات چل رہی ہے، ہاں، یا ہم فلاں تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، تو خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، ایک دوسری روایت میں عاجل امری و عاجلے فقدر ہولی و یسر ہولی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان ھذا الامر
यहां पर जब आया नहाजल अम्र वहां पर उस काम का नाम लेंगे शर्रुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबत अमरी औ काल आजिल अमरी व आजिलहु फसरिफहु अन्नी वसरिफनी अनहु वक़दुरली अलखैर हैसु कान थुम्मा रद्दनी बिही। यह हमने आपको पढ़ के सुना दिया, तर्जुमा देख लीजिए। ऐ अल्लाह बेशक मैं इस काम में तुझसे तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और खैर के हुसूल के लिए तुझसे तेरी कुदरत के जरिए कुदरत मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरा फजल अजीम मांगता हूँ। बेशक तू हर चीज पर कादिर है, मैं किसी चीज पर कादिर नहीं। तू हर काम के अंजाम को जानता है और मैं कुछ नहीं जानता, और तू तमाम गैबों का जानने वाला है। या अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी जिंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है तो तू उसे मेरे लिए मुकद्दर कर और आसान कर दे, फिर उसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए, मेरे दीन मेरी जिंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है तो इस काम को मुझसे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए भलाइयां मुहैया कर जहां कहीं भी हो, फिर उसके साथ तू राजी कर दे। अल्लाह अकबर। तो मैंने बता दिया आपको कि जहां पर भी अन्नहाज़ल अम्र आएगा वहां पर अपनी हाजत का नाम लेंगे। जब आप ये मसनून इस्तखारा करके कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से जरूर उसमें बेहतरी की सूरत पैदा कर देगा और बुराई से बचा देगा। इस्तखारा ये दुआ है और हमने नमाज का तज़किरा आपके सामने कर दिया, तो इंशाअल्लाह वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप इसको कर गुजरिएगा और खुद कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखिए कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं कि हमें सिखाते थे जिस तरह कुरान की सूरत सिखाते थे, क्या पता चला हमें खुद करना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए, किसी से करवाने की जरूरत। अगर करवाना मकसद होता और बेहतर होता तो सारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करवाते, हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को न सिखाते। और ये भी याद रखिएगा कि जब ये दुआ है तो इसके लिए, इसकी कबूलियत के लिए हमें चाहिए था कि हराम कमाई से दूर रहें और फिर किसी गुनाह, किसी जुल्म, किसी बुराई के लिए इस्तखारा ना करें, हैं और फिर गाफिल दिल से ना करें, तो फिर अल्लाह ताला आपके दुआ को कबूल फरमाएगा। और याद रखिएगा कि जब भी आप ये दुआ पढ़ना शुरू कीजिए तो उलमा की राय है कि पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, उससे पहले अल्लाह की तारीफ करें, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ना शुरू कर दे। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई कौम मुशावरत इख्तियार करती है, मशवरा करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जोई होती है तो अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ उसकी रहनुमाई कर देता है। शेख कमालुद्दीन मोहम्मद बिन अली जमलकानी फरमाते हैं जब इंसान दो रकात नमाज पर इस्तखारे के लिए और उसके सामने मामला दरपेश है तो उसका सीना कुशादा हो या न हो, इस काम के करने की बिना पर अल्लाह ताला उसमें भलाई डाल देता है। इसलिए हदीस के अंदर ये बात नहीं आई है, उसका दिल कुशादा हो या ना हो, शरह सदर हो या ना हो, ये बात नहीं आई है। इसीलिए मशवरा कर लीजिए किसी काम के करने से पहले, इस्तखारा कर लीजिए, अल्लाह का नाम लेकर वो काम शुरू कर दीजिए। देखिए इस्तखारा ऐसे मामले में है जिसमें इंसान मुतरद्दिद हो। एक बात तो ये हुई शक में है करूं या ना करूं, इस्तखारा कर ले। और दूसरी बात अगर पुख्ता इरादा भी हो चुका है तो भी इस्तखारा करे, क्योंकि आप खैर समझ के कर रहे हैं लेकिन इस्तखारा नहीं करेंगे हो सकता है शर का पहलू सामने आ जाए। इसलिए इस्तखारा के अंदर अल्लाह से तलब तौफीक है, अल्लाह ताला से भलाई का पुख्ता इरादा है। बहुत से लोग किसी काम को भला समझते हैं लेकिन दर हकीकत उसमें वो उसके लिए बुराई होती है, नाकामी होती है, और इसलिए इस्तखारा को हमें और आपको बजा लाना चाहिए। इस्तखारा के कई एक फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि बंदे का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होता है, उस पर भरोसा करता है अपने तमाम मामलात में। दूसरा फायदा यह है कि इंसान ये इबादत बजा लाकर एक तो अजर सवाब लेता है, दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है, और ये नमाज और दुआ के अंदर अल्लाह ने बड़ी भलाई रखी है। तीसरा फायदा यह है कि इस्तखारा करके बंदा हैरत, शक, तरद्दुद से बाहर हो जाता है, इत्मीनान सुकून के दरिया में अपने आप को दाखिल कर लेता है और मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, आप कह दीजिए तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में।
चौथा फायदा यह है कि खैर हासिल होता है, शर दूर हो जाता है, और जो अल्लाह बंदे के लिए अख्तियार करेगा उसमें भलाई ही भलाई होगी। पांचवा फायदा यह है कि जो वो काम करना चाह रहा है अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, और बरकत जिस चीज में भी आए अगर वो थोड़ी होती है तो वो चीज ज्यादा हो जाती है, अगर उसमें शर होता है तो अल्लाह ताला उसको दूर कर भलाई के पहलू उसमें रख देता है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं दुआ के अंदर वह बारिक ली फी, उसमें बरकत डाल दे। छठी बात यह है अल्लाह अकबर कि इंसान किसी चीज को कमतर समझता है, हकीर समझता है, लेकिन दर हकीकत वो चीज अजीम होती है अल्लाह की निगाह में। इसलिए तमाम दुनियावी और जायज कामों में इस्तिखारा का हुक्म दिया गया है। बाज लोग किस्म बयान करते हैं इस्तिखारा की, दो किस्में हैं, इस्तिखारा आमा, इस्तिखारा खासा, हालांकि इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। उनका ख्याल है कि अगर हम शादी करने चले औरतों का इंतखाब हो तो वहां पर इस्तिखारा आमा किया जाता है, और जब एक औरत का इंतखाब हो जाए तो उसके अंदर इस्तिखारा खासा किया जाता है। यह बात भी बुनियाद है मेरे भाई। इस्तिखारा तो उसी वक्त है कि मिसाल के तौर पर फला और फला जगह शादी की बात चल रही है तो आप इस्तिखारा करेंगे। अब जाहिर सी बात है दो जगह शादी की बात चल रही है, यहां और वहां, तो आप इस्तिखारा करेंगे तो अल्लाह सुबहानहु व तआला आपके दिल को मायल कर देगा बेज़निल्लाह ताला, और फिर आप जिस जगह कदम डालेंगे बेज़निल्लाह ताला वहां की शादी में बरकत होगी, उस औरत की शादी में बरकत होगी, और इंशाअल्लाह उस शादी के जरिए अल्लाह ताला बरकत ही बरकत पैदा कर देगा। लिहाजा दो तरह से इस्तिखारा कि आम इस्तिखारा खास इस्तिखारा, इसकी कोई दलील नहीं है। इस्तिखारा उन कामों में होता है जिसके नतायज मारूफ हो या मारूफ ना हो। जी हाँ, अगर मारूफ भी हो तो भी कीजिए, क्योंकि आपकी निगाह जाहिर पर है और अल्लाह की निगाह बातिन पर है। बहुत सी चीज को आप भली समझते हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक वो चीज भली नहीं होती है। वासा अंतक रहो शई अंग खैरुल लकुम, बसा औकात आप किसी चीज को नापसंद करते हैं वो चीज आपके लिए बेहतर होती है। अब बसा औकात आप किसी चीज को बेहतर नहीं समझते लेकिन अल्लाह के नजदीक वो चीज बेहतर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह इसे जानता है तुम लोग नहीं जानते हो। लिहाजा हमें और आपको चाहिए ये इबादत बजा लाकर नमाज और नमाज इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा करके हम मामले को अल्लाह के हवाले कर दें, अपने दिल को मुतमईन कर दें। कहने वाले कह सकते हैं कि हमें जब नतीजा मालूम है, जब हमने नमाज पढ़ ली दुआ कर लिया तो फिर इस्तिखारा का नतीजा क्या निकलेगा? मेरे भाई जब आपने इस्तिखारा कर लिया, पुख्ता इरादा हो गया, आप बिला तरद्दुद कीजिए और मामले को अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अल्लाह ताला उसमें आपके लिए मसलहत और बेहतरी को डाल देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो ख्वाब में दिखाया जाए, ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल मुतमईन कर दे, नहीं, बल्कि इस्तिखारा का मकसद ये है कि उस मामले को आपने अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह ताला उसके शर को खैर से तब्दील कर देगा और आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। लिहाजा ये कहना कि ख्वाब में आएगा, और इसीलिए बाद लोग सोने से पहले करते हैं ताकि ख्वाब में दिखाए, और ख्वाब में दिखाई नहीं देता या ख्वाब में कोई चीज ऐसी नहीं आती, वो लोग बदजन हो जाते हैं कि चार दिन से तो कर रहा हूं कहां कुछ देख रहा हूं। नहीं मेरे भाइयों, इसकी जरूरत नहीं है। एक सवाल ये पैदा होता है कि इस्तिखारा कब करे? तो जैसे ही मामला सामने आए, खाली जहन हो, किसी काम पर पुख्ता इरादा भी ना किया हो तो करना चाहिए, लेकिन बसा औकात पुख्ता इरादा हो भी जाए तो भी कर गुजरे ताकि इंशाअल्लाह उसके अंदर भलाई पैदा हो जाए, शर उससे दूर हो जाए। चलिए अब सवाल पैदा होता है कि किन कामों में इस्तिखारा होना चाहिए? तो इंसान के सामने जो भी मामलात आते हैं तो उसके शरई नाहिये से पांच पहलू होते हैं, वाजिब है, मंदूब है, जायज है, मकरूह है, हराम है। तो वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, इन चारों में इस्तिखारा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने इन चारों को खोल खोल कर बयान कर दिया है, उसमें इस्तिखारा की कोई जरूरत नहीं है। करना किसमें इस्तिखारा है? जो जायज काम है, जिसका ताल्लुक दुनिया के साथ है, जिसके रिजल्ट को हम नहीं जानते कि पता नहीं क्या होगा। अब जैसे शादी है, शादी तो हर इंसान करता है लेकिन जहां उसकी बात चल रही है, मालूम नहीं कैसे लोग हैं, कैसी लड़की है, दीनदार है नहीं, समझदार है नहीं, अखलाकमंद है नहीं, तो उसके लिए आदमी इस्तिखारा करे। या कोई तिजारत करना चाह रहा है, सफर करना चाह रहा है, तो ऐसे कामों में इस्तिखारा की जरूरत है।
लेकिन यहां पर एक बात और वाजे कर दूं, उलमाए किराम ने जिक्र किया है कि अगर दो वाजिब एक साथ आ जाए, दोनों का इज्तिहाम हो जाए और मालूम नहीं किसको मुकद्दम करना है, तो भी इस्तिखारा करना चाहिए। जैसे हज है और शादी है, मिसाल के तौर पर है हज का वक्त आ रहा है और शादी भी करनी है, तो ऐसे मौके पर हम इस्तिखारा कर सकते हैं जब दो वाजिब या दो मुस्तहब चीजों का टकराव हो जाए और एक ही वक्त में दोनों सामने आ जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं किसी काम में मुतरद्दिद हूं, मशकूक हूं, शक में हूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो क्या इस्तिखारा को एक से ज्यादा मरतबा कर सकता हूं? तो बाज़ उलमा ने कहा कोई हरज की बात नहीं, आदमी एक से ज्यादा मरतबा भी इस्तिखारा कर सकता है। ये जम्हूर का कौल है, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक वगैरह कहते हैं कि एक से ज्यादा मरतबा इस्तिखारा कर सकते हैं। एक सवाल पैदा होता है, क्या इस्तिखारा के लिए वक्त मुतय्यन है? देखिए, इस्तिखारा के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, यहां तक कि उलमा के राजी कौल के मुताबिक हम मकरू औकात में भी कर सकते हैं। बिलखसूस आप ऐसे अवकात में कीजिए जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं, जैसे अजान और इकामत के दरमियान में कीजिए, बारिश हो रही है तो कीजिए, आखिर तिहाई रात में कीजिए, जुमा के दिन आखिरी पहर में कीजिए, शब कदर में कीजिए, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा और उसमें कबूलियत का ज्यादा पहलू निकलता है। वैसे आम हालत में भी अल्लाह सुबहानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। फिर उसके बाद एक सवाल पैदा होता है, क्या इस्तिखारा नमाज इस्तिखारा के लिए कोई मुतय्यन क़िरात है? उलमा के सही कौल के मुताबिक कोई मुतय्यन क़िरात नहीं है। एक सवाल यह भी पैदा होता है, क्या सलाम से पहले ये दुआ पढ़ सकते हैं, दुआ इस्तिखारा, या बाद सलाम करना है? तो इस सिलसिले में उलमा के दो अकवाल हैं, अब दोनों कौल है, सलाम से पहले भी, सलाम के बाद भी, लेकिन हदीस के अल्फाज पर गौर करने से मालूम होता है कि अफजल ये है, बेहतर ये है कि सलाम के बाद किया जाए। देखिए, जब आपने दो रकात इस्तिखारा की नीयत से नमाज पढ़ ली और दुआ कर ली, तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए और मामले को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। एक सवाल पैदा होता है कि इंसान के साथ बहुत से हालात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान उसमें नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो क्या दुआ इस्तिखारा सिर्फ कर सकता है? एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है या औरत माहवारी में है और इस तरह का मामला दरपेश हो गया, तो आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो इंशाअल्लाह दुआ इस्तिखारा भी कर सकता है, जायज है। यहाँ पर एक बात और भी है, क्या दुआ इस्तिखारा याद न हो तो क्या देख के पढ़ सकता है? तो देख के पढ़ सकता है, और अगर देख के नहीं पढ़ सकता, कोई आदमी उसको सुनाए पढ़ाए, वो पढ़ लेगा इंशाअल्लाह, कोई हरज की बात नहीं। क्या एक नमाज अदा करके और दुआ पढ़ के दो काम का इस्तिखारा हो सकता है? तो अगर दोनों काम एक ही चीज से मुताल्लिक है तो कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे फला लड़की से शादी हो रही है और इतने महर में हो रही है, दो चीजें हो गई ना, तो उसके लिए एक इस्तिखारा काफी है। या फला काम है उसको शरीक किया जाए या नहीं, यानी एक काम है और उसके बाद उसी काम में फला को शरीक किया जाए या नहीं, तो उसके लिए एक ही इस्तिखारा इंशाल्लाह काफी है। लेकिन दो मुख्तलिफ काम है, तिजारत है और शादी है, तो अलग अलग इस्तिखारा करें, ये बेहतर है। और जब इस्तिखारा करने वाला नमाज पढ़ लेता है, दुआ कर लेता है, तो बेइज़्निल्लाह ताला अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करता रहे और साथ साथ अल्लाह पर भरोसा करे। चलिए, कुछ इस्तिखारे के अंदर बिदई पहलू भी निकलता है। बाज़ लोग इस्तिखारा करते हैं तो मुसहफ खोलते हैं, अगर आयत अजाब पर नजर पड़ जाती है तो उस काम से रुक जाते हैं, और अगर आयत रहमत पर नजर पड़ जाती है तो वो काम कर बैठते हैं, ये बिदअत है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो बाज मशाइख के पास, पीर के पास, आलिम दीन के पास जाते हैं, खुद नहीं करते जो सुन्नत है, दूसरों को कहते हैं करने को कि आप हमारे लिए इस्तिखारा कर दीजिए, ये बिदअत है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सहाबा का इस्तिखारा खुद नहीं किया है, या अबू बकर सिद्दीक ने बहुत सारे सहाबा का इस्तिखारा किया हो, इसका पहलू या इसका जवाब नहीं निकलता है, तो ये चीज साबित नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, बाज़ लोग खुद इस्तिखारा करने के बजाय दूसरों से इस्तिखारा करवाते हैं, ये रविश एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसने जगह जगह दूसरों के लिए इस्तिखारा करने वाले स्पेशलिस्ट पैदा कर दिए हैं। हालांकि अपने लिए खुद इस्तिखारा करने के बजाय दूसरों से इस्तिखारा करवाना सिर्फ खिलाफ सुन्नत ही नहीं, बल्कि काहिन और नजूमी की तस्दीक करने के मुतरादिफ है। काहिन आप जानते हैं ना कि उसकी तस्दीक करना जो गैब की बातें बतलाता है, इस्लाम में बड़ा जुर्म है, खुसूसन जबकि इस्तिखारा करने वाला
इस्तिखारा करवाता है इस नीयत से कि मुझे उन बुजुर्गों से कोई पक्की खबर या वाज़ह मुशाहदा मिलेगा जिसे बाद में वो मिन वअन जानकर सच्चा जानकर किसी काम के करने या न करने का फैसला करता है। हालांकि इस्तिखारा के लिए ना तो ये लाजमी है कि यह सोने से पहले किया जाए और न ये लाजमी है कि ख्वाब में कोई इशारा होगा। सीधी सादी बात यह है कि जरूरतमंद इस्तिखारा करे जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्तिखारा करना सिखाते थे। अल्लाह ताला उसका सीना खोल देगा। मजीद तसल्ली चाहता है तो इस्तिखारा से पहले मशवरा भी कर ले, अल्लाह ताला बेहतरी पैदा कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों कभी कभी एक घर में एक से ज्यादा लोगों के इस्तिखारा की भी जरूरत पड़ जाती है। अब लड़की की शादी है, लड़की भी इस्तिखारा करे, उसका बाप भी इस्तिखारा करे, उसकी माँ भी इस्तिखारा करे, लेकिन आम तौर पर जो साहिब मामला है वो इस्तिखारा करेगा। और दूसरों से इस्तिखारा करने में वो इखलास, वो लिल्लाहियत, वो क़ुर्ब इलाही पैदा नहीं होती है। और बसा औक़ात इंसान दूसरे गलत रास्तों पर निकल जाता है, पैसों को भी फेंकता है, फिर वो सामने वाला सही अकीदे वाला नहीं होगा तो वो आपके आपको गलत रास्तों की रहनुमाई करेगा, आपसे शिरकिया काम करा सकता है कि इस तरह का मुर्गा लाओ, इतने पैसे लाओ, इस रंग का वो लाओ, और इस तरीके से आपको जो है पगडंडियों में ऐसा डाल देगा कि बसा औकात इंसान शिर्क पर आमादा हो जाता है। अल्लाह सुबहानहू व तआला से दुआ गो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हर मामले में कुरान सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुहिब और मुत्तबे सुन्नत बनाए, और हमारे सामने जो भी मामला दरपेश हो बारी ताला हम सबको इस्तिखारा करके फिर दुआ करने के बाद उस पर अमल कर पैरा होने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।